हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। जो भी इस वीडियो को अभी देख पा रहे हैं वो लोग लाइव चैट पे हमसे चैट भी कर सकते हैं और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बेसिकली इस सेशन का जो पर्पस है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएलसी के बारे में। पीएलसी को क्यों यूज करते हैं, कितने टाइप की पीएलसी होती है। तो अगर आपको आवाज क्लियर आ रही है, हेलो, ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है, ठीक है, चलिए जो भी लोग हैं सब लोग जुड़ जाइए और इस स्ट्रीम को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। तो बड़ा ही सिंपल से वे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरे पीएलसी का जो ओवरव्यू है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल लेक्चर 1 है ये, चैप्टर 1 है पीएलसी का ओवरव्यू जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को अगर मेरी साउंड क्लियर है और कोई भी डाउट है तो आप चैट पे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोग हेलो लिख सकते हो जिससे मुझे पता चले कि साउंड क्लियर है। ना लाइव चैट के थ्रू आप अपने डाउट भी यहां पर पूछ सकते हो, ठीक है। जो लोगों को भी साउंड क्लियर आ रहा है वो आराम से हेलो यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 1 है हमारा पीएलसी का, बिल्कुल ओवरव्यू से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहां पे, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर का ओवरव्यू और है चैप्टर हमारा 1। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि पीएलसी जो है वो कहाँ पर यूज होती है और क्या है बेसिकली, ठीक है। तो जब हम लोग पीएलसी की बात करते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोसेस और कंट्रोल टेक्नोलॉजी में यूज होता है। आपने जहां भी इंडस्ट्री में काम किया होगा आपने ये पीएलसी जरूर पाई होगी, वहां पर एक पीएलसी जरूर रहती है। बेसिकली इसका जो पर्पस है ये इंडस्ट्री में यूज होती है और ऑटोमेशन के लिए यूज की जाती है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए, ठीक है, ऑटोमेशन के लिए यूज की जाती है। तो ऑटोमेशन बेसिकली होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जहां भी क्या है, जहां भी आपको ह्यूमन को रिप्लेस करना है, आप चाहते हैं कोई टास्क ऑटोमेटिक हो जाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जैसे कि आप एक एग्जाम्पल लीजिए, एक ट्रैफिक लाइट का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो क्या है, ऑटोमेटिक चलती है। पहले मान लीजिए रेड चल रही है, उसके बाद क्या हुई, येलो हुई, फिर ग्रीन हुई, तो ये क्या चल रही है, ऑटोमेटिक चल रही है। कोई आपने सीक्वेंस फॉलो करा दिया कि 30 सेकंड के लिए मेरी रेड लाइट ऑन हो रही है, उसके बाद येलो लाइट 5 सेकंड के लिए ऑन हो रही है, उसके बाद 25 सेकंड के लिए आपकी ग्रीन लाइट ऑन हो रही है। तो ये क्या है, बेसिकली एक सिक्वेंस फॉलो हो रहा है, एक सिक्वेंस फॉलो हो रहा है आपका। ये जो सीक्वेंस है अगर ये ऑटोमेटिक नहीं होता, अगर ये मैनुअल होता तो क्या करना पड़ता हम लोगों को, एक आदमी खड़ा रहता जो कि 30 सेकंड के लिए कोई लाइट ऑन करता, फिर उसके बाद 5 सेकंड के लिए वो बंद करके ये करता, फिर तीसरी लाइट को ऑन करता। तो यहां पर मैनुअल की जरूरत थी नहीं, ठीक है, एक आदमी की जरूरत इस काम के लिए है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको हटा के एक ऑटोमेशन के लिए एक कंट्रोलर यूज करते हैं जो इस तरह का ऑटोमेशन कर सकता है। सेम इंडस्ट्री में भी है कि कोई भी बॉटल है, बॉटल काउंटिंग का प्रोग्राम बनाना है या कोई प्रोसेस है जो आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक हो जाए, कोई ह्यूमन की जरूरत वहां पे ना पड़े, है ना, रिपीटेटेड टास्क बेसिकली, तो वहां पे हम इस पीएलसी का इस्तेमाल करते हैं। तो यही बोला है इन्होंने कि पीएलसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज होती है। बेसिकली क्या है, रोबस्ट है, दमदार चीज है, इसलिए इस कंट्रोलर को हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल नॉइज वगैरह सारा कुछ ये हैंडल कर ले, ठीक है। तो इसमें यह भी बताया, पीएलसी इज बेसिकली अ डिजिटल कंप्यूटर, एक कंप्यूटर है डिजाइन फॉर यूज इन मशीन कंट्रोल। मशीन कंट्रोल के लिए, कोई भी मशीन को अगर आपको कंट्रोल करना है, ऑटोमेट करना है, तो उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या बता रहे हैं कि ये जो चीज है वो इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट के लिए सुटेबल है। ये वाला जो कंट्रोलर है ये इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट के लिए सुटेबल है, ठीक है। क्यों, इलेक्ट्रिकल नॉइज वगैरह जो इंडस्ट्री में होती हैं या जो इलेक्ट्रिकल नॉइज वगैरह का इसमें प्रॉपर सिस्टम होता है कि वो आपके हार्डवेयर को इफेक्ट ना करें या ऑपरेशन माल फंक्शनिंग ना हो, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यहां तक कोई डाउट है तो आप बताइए, सिंपल समझ आ रहा है।
ठीक है, यहां तक आई होप किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़े। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आए ना, ठीक है। इसीलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या चीज है। सबसे पहले जो पीएलसी को बनाया गया वो किस लिए बनाया गया, आपने देखा होगा कि अभी हमारी पीएलसी यूज हो रही है ना। उससे पहले क्या होता था, रिले लॉजिक कंट्रोल यूज होता था। क्या होता था, रिले लॉजिक कंट्रोल। तो रिले लॉजिक कंट्रोल को रिप्लेस करने के लिए हम पीएलसी लेके आए थे, ठीक है। पहले रिले लॉजिक ऑटोमेशन के लिए रिले लॉजिक कंट्रोल इस्तेमाल होता था। पूरा जो ऑटोमेशन का टास्क है, ऑटोमेशन का टास्क भी है जो भी है, वो सारा रिले से होता था, रिले लॉजिक कंट्रोल होता था। आपने देखे होंगे आपके हार्डवेयर वाले भी टाइमर आते हैं, हार्डवेयर वाले भी टाइमर्स आते हैं। तो कोई भी सीक्वेंस इस तरह का बनाना होता था तो वो हम लोग उसी तरह के मैकेनिकल टाइमर का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो ये क्या है, इनिशियली द पीएलसी वाज यूज्ड टू रिप्लेस रिले लॉजिक, बट एवर इंक्रीजिंग रेंज ऑफ फंक्शन इंक्लूडिंग टाइमिंग काउंटिंग कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। आपने अगर पीएलसी की क्लास ली होंगी तो आपने आपको पता होगा कि पीएलसी में हम लोग किस तरह से टाइमर का ऑपरेशन, काउंटिंग का ऑपरेशन, कैलकुलेटिंग का ऑपरेशन, कंपेयरिंग का ऑपरेशन, इस तरह के और प्रोसेसिंग ऑफ एनालॉग सिग्नल का, ये सारे ऑपरेशन हम लोग पीएलसी में परफॉर्म करते हैं। ये सारी चीज आपको क्लियर होगी। लेकिन क्या हुआ, पहले तो केवल रिले लॉजिक कंट्रोल को आपने रिप्लेस करने के लिए पीएलसी बनाई, लेकिन अब क्या हुआ, अब आप उसको और भी ज्यादा टास्क में यूज करने लगे, और भी अलग अलग टास्क में आप यूज करने लगे, जैसे कि टाइमिंग है, काउंटिंग है, कैलकुलेटिंग है, कंपेयरिंग है, प्रोसेसिंग ऑफ एनालॉग सिग्नल है, इन तरह के भी टास्क में आप अब पीएलसी का इस्तेमाल करने लगे। तो बेसिकली इसने क्या किया, रिले लॉजिक सर्किट को, रिले लॉजिक कंट्रोल जो होता था आरएलसी, उसको ना केवल इसने रिप्लेस किया, बाकी और भी अधिक फीचर इसमें डाल दिए। अब ऐसे फीचर इसने डाल कैसे दिए, तो उसके लिए बताते हैं कि ये जो कंट्रोलर है, जो पीएलसी है, वो बेसिकली कंप्यूटर का आर्किटेक्चर और इसका आर्किटेक्चर सेम है। तो कंप्यूटर आप जानते हैं सभी तरह के फंक्शन आपका कर सकता है, तो इसी तरह से हमारा पीएलसी भी एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है, इसलिए ये सारी चीजें कर पाया, ठीक है। टाइमिंग, काउंटिंग, कैलकुलेटिंग, कंपेयरिंग। अगर आपसे कोई पूछे कि पीएलसी के अंदर जो टाइमर हम लोग यूज करते हैं सॉफ्टवेयर से, तो क्या उसके अंदर कुछ टाइमर लगे रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, है ना। आपका अगर आप अपने लैपटॉप में कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हो, तो ऐसा थोड़ी ना उसके पेज खोलोगे तो अंदर कैलकुलेटर निकल आएगा ना। टाइमर अगर आप लगाते हो अपने पीसी में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पीसी के अंदर टाइमर लगा होगा, नहीं। वो क्या है, एक सीपीयू है ना, एक प्रोसेसर है। प्रोसेसर का काम करने का तरीका कुछ अलग होता है ना। उसके हम लोग क्या होता है, प्रोसेसर कैसे होता है, ट्रांजिस्टर बेस्ड काम करता है। जब भी आप प्रोसेसर के बारे में पढ़ना, आप अपने जो पीसी है, मान लीजिए आपके पास i5 है, तो आप इसमें देखना कितने ट्रांजिस्टर लगे होंगे। तो i5 प्रोसेसर में बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं जो कि ये सारे डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे कहना गलत है कि इसके अंदर टाइमर लगा रहता है ऐसे। अब इसके अंदर हार्डवेयर में कोई टाइमर वायमर नहीं लगा होता सीपीयू के अंदर, तो इसका काम करने का तरीका अलग है, ठीक है, समझ में आया। और वैसे हम रिले आरएलसी में हम लोग अलग से टाइमर और काउंटर का इस्तेमाल करते थे। अब देखिए जो रिले कंट्रोल पैनल है वो आपको कुछ इस तरह का दिखता था, ठीक है, और पीएलसी कंट्रोल पैनल आपको कुछ इस तरह का दिखता था, दिखता है अभी भी, है ना। तो इतना सारा सीक्वेंस को बनाने के लिए आपको इस तरह की रिले की इस्तेमाल करना पड़ता था और उसमें सीक्वेंस बनाना पड़ता था। अब पीएलसी के क्या एडवांटेज है, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एडवांटेज इसके ये आए कि देखो, अगर कोई भी टास्क आपको, कोई भी लॉजिक लिखना है, कोई भी ऑटोमेशन का टास्क लिखना है, तो उसके लिए आपको हार्डवेयर में पूरी वायरिंग करनी पड़ेगी इस तरह से, है ना। और बाकी आप ये देख पा रहे हो, ये इस तरह का पीएलसी में है, ठीक है, इस तरह का पीएलसी में। अब इन दोनों में अंतर क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसमें क्या किया आपने, रिले से आपने लॉजिक लिखा, और इसमें क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम एक बनाया और उस प्रोग्राम को इस पे लोड कर दिया। तो जो भी आपके लॉजिक वाली जो रिलेस थी, जो इसमें यूज हो रही थी, वो सारी रिप्लेस हो गई, वो सारी खत्म हो गई। देखो भाई एक चीज मैं आपको आज क्लियर बता दूं, ऐसा नहीं है कि पीएलसी से आने से
पूरी तरह से रिले हट जाएंगी। ऐसा नहीं होगा, रिले का इस्तेमाल होता है जहां भी ओवर करंट वाली चीज है, जहां भी जो रेटिंग है कुछ ज्यादा है, उस तरह की चीजों में इलेक्ट्रिकल स्विच की तरह अभी भी इसका इस्तेमाल होता है इनपुट और आउटपुट पे, ठीक है। लेकिन आपको जो रिले लगती थी ऑटोमेशन करने में, कोई सीक्वेंस बनाने में, है ना, कोई टास्क को कोई प्रोग्राम लिखने में, जो प्रोग्राम होता था उसको एक तरह से आपको रिले के थ्रू डिजाइन करना है, जो टाइमर आपको अलग से लगाने पड़ते थे, वो सारा रिप्लेस होके बस केवल एक प्रोग्राम यहाँ पर लोड हो जाता है, ठीक है। अगर आपसे कोई क्या है, ऑटोमेशन को डिफाइन करो और पीएलसी में इनपुट और आउटपुट को डिफाइन करो, तो बड़ा सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले सकते हो आप। पीएलसी के पास क्या होता है, देखो, इनपुट होते हैं और आउटपुट होते हैं, ठीक है, बीच में सीपीयू होता है, ठीक है, सीपीयू। आप उनसे ये बोल सकते हो, कोई भी इनपुट पे कोई स्विच हो सकता है और सेंसर्स हो सकते हैं, इन स्विच और सेंसर को जब भी हम प्रेस करते हैं या जब भी हम ऑन करते हैं, उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। इनको आप प्रेस करोगे, इस इनपुट को आप दोगे, सीपीयू में प्रोग्राम लोड है, उसको ये एक्सेस करेगा कि किस तरह से आप ऑटोमेशन करना चाहते हो, और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देगा, ठीक है। तो ये आपका ऑटोमेशन होता है। जैसे कि मैंने हर बार एक एग्जांपल लेता हूँ ट्रैफिक लाइट का। ट्रैफिक लाइट में क्या होती है, तीन लाइटें होती हैं, ठीक है, रेड रेड येलो और ग्रीन। क्या करते हो, एक स्टार्ट प्रेस किया, ये सारे आउटपुट हैं, और फिर आउटपुट एक सिक्वेंस, इनपुट और आउटपुट। तो पीएलसी में दो पार्ट तो होंगे ही, एक तो इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा। अब इनपुट दबाने से ये आउटपुट किस तरह से ऑन ऑफ हो, वो ऑटोमेशन है, वो कायम में पड़ेगा, वो हम प्रोग्राम जब लिखते हैं तो सीपीयू में हम लोग लोड करते हैं। इस तरह की प्रोग्रामिंग पे मैं बहुत डिटेल में बात करता रहता हूँ। रिजवान कुरैशी जी, हेलो, यस, हेलो, क्लियर है वॉइस, ठीक है। आप लोगों के मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, कोई भी इसमें बीच में डाउट आए तो आप पूछ सकते हो, आई एम वेरी ओपन टू गिव यू आंसर, है ना। तो ये समझ आया आपको, ये ऑटोमेशन है बेसिकली। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल के एडवांटेज क्या हैं। ये सब जानना इसलिए जरूरी था कि जब मैं क्लास ले रहा हूं तो कई लोगों को ये क्लियर नहीं है कि पीएलसी का इस्तेमाल क्यों करने लगे हैं, क्यों करते हैं पीएलसी का इस्तेमाल, है ना, रिले लॉजिक कंट्रोल को इसने कैसे रिप्लेस किया, ये सारी चीजें अब जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि पीएलसी का यूज क्यों करते हैं, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है पीएलसी के, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई पीएलसी के एडवांटेज क्या है, इसमें हम एडवांटेज कितने टाइप की पीएलसी होती है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के एडवांटेज हैं क्या क्या। सबसे पहला, ये रिलायबिलिटी इंक्रीज कर देता है, ठीक है। रिलायबिलिटी कैसी, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक विश्वसनीयता, है ना, इस पे आप ज्यादा विश्वास कर सकते हो। सिंस ऑल द लॉजिक इज कंटेन्ड इन द पीएलसी मेमोरी, देयर इज नो चांसेस ऑफ मेकिंग लॉजिक एंड वायरिंग एरर। मतलब क्या है इस चीज का, जब भी आप आरएलसी में सर्किट बनाते थे तो कोई भी एरर आपकी क्या हो सकती है, वायरिंग एरर भी हो सकती है ना, कि वायर कोई हिल गया इस वजह से आपकी, आपका ऑटोमेशन टास्क नहीं पूरा हो पा रहा, या कोई भी वायरिंग एरर भी हो सकती है। लेकिन पीएलसी पे क्या करते हो, आप जो ऑटोमेशन का प्रोग्राम है वो आप बनाते हो और इस पीएलसी पे लोड कर देते हो, तो आपका वायरिंग का तो कोई चक्कर ही नहीं रहा। तो वो जो एरर आती थी वायरिंग की वजह से, वो यहाँ पे रिड्यूस हो गई। दूसरी चीज, चलो छोटे मोटे टास्क में तो ठीक है, लेकिन जब बहुत ज्यादा वायरिंग है आपकी, कोई भी ऑटो इंडस्ट्री का प्रोग्राम है जिसमें बहुत ज्यादा वायरिंग एसोसिएट है, उसमें तो ये ट्रबल शूट करने में और भी दिक्कत आएगी कि भाई कहाँ से वायर ढीला है, कहाँ से प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे आपकी नहीं आपको देखने को मिलेंगी। एक बार अगर पीएलसी प्रोग्राम आपका लोड हो गया तो उस तरह की कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। मोर फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, अगर मान लीजिए कि आज आपने किसी और टास्क के लिए, किसी टास्क के लिए आपने ऑटोमेशन किया है, ठीक है, कोई एक पीएलसी में आपने ऑटोमेशन का प्रोग्राम डाल दिया, तो कल को अगर वो उस टास्क में कोई चेंजेस आ गए, ठीक है, उस ऑटोमेशन के चीज में कोई चेंजेस आ गए, किसी ने कोई एक्स्ट्रा फीचर डलवाया, कोई एक्स्ट्रा फीचर अगर पीएलसी में डलवाया, तो उस प्रोग्राम को चेंज करना बहुत आसान होता है,
ठीक है, थोड़े बहुत उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे और उसके बाद आप रीअपलोड कर सकते हो। लेकिन अगर यही वायरिंग के साथ होता तो आपको पूरा सर्किट चेंज करना पड़ता, पूरा सर्किट भी चेक करना पड़ता। अब यहाँ पे क्या है, कोई भी फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल मतलब लचीली है एक तरह से। इसमें कोई भी प्रोग्राम आप दोबारा भी अपने आप अगर उसमें चेंजेस करने हो बहुत आसानी से चेंजेस कर सकते हो। जैसे मान लो कि ये एक स्विच है, ये इस पॉइंट पे लगा हुआ था, ठीक है, और आपको ये चेंज करना है इसका एड्रेस। मान लीजिए इसका एड्रेस है, तो इस तरह से पीएलसी में एड्रेस होते हैं। मान लीजिए ये मैं एलन मेटली का ले रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से एड्रेस है। तो अगर आपको इस पॉइंट पे ये लगा हुआ है और ये पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा लग रहा है आपको ये पॉइंट खराब है, ऐसा कुछ हो सकता है कभी कभी, है ना, तो आप इसका बहुत आराम से एड्रेसिंग चेंज कर सकते हो। बस क्या करना है आपको, प्रोग्राम में जाना है, तो I:0 बस ये वाली बिट चेंज कर दो, इसको 1 कर दो, ठीक है, और बाकी प्रोग्राम वैसे का वैसा अपलोड कर दो। इस तार को आप यहाँ की जगह 1 पे लगा दो बस, ठीक है। ये एड्रेस वैसे मैंने अंदाजे से ऐसे दिया है, 0 नहीं होगा। ये आपको कौन सा पॉइंट है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, ये 6 है, तो ये बेसिकली आपका 6 होना चाहिए, और 6 की जगह अब मैंने इसको 1 पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत आराम से इसमें चेंजेस भी कर सकते हो पीएलसी में। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए। किसी भी तरह का कोई भी डाउट इसमें आपको आ रहा है तो आप पूछिए। हमारे ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हैं, तो अगर किसी को हमारे ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए जिसमें 30 आर का कंटेंट है, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9027276360 पे, ठीक है। 30 आर का कंटेंट है, 4 कोर्सेज उसमें इंक्लूडेड हैं और 999 रुपीज़ चार्ज है उसका। उसमें आपके 4 कोर्सेज हैं, ठीक है, 4 कोर्सेज हैं जिसमें एलन बेटली, सीमंस और HMI के हमने लेक्चर्स उसमें ऐड कर रखे हैं। तो 4 कोर्सेज आपको 999 रुपीज़ में 30 घंटे का कंटेंट आपको एक साथ मिल जाएगा। अगर आप डिटेल में आई वॉन्ट सॉफ्टवेयर हनीवेल एंड सीमंस एंड स्नाइडर, आपको अगर सॉफ्टवेयर चाहिए तो फिर आप जो सॉफ्टवेयर सेल करते हैं उनसे एक बार कांटेक्ट कर सकते हो कि कैसे आपको ये सॉफ्टवेयर मिलेंगे। कुछ सॉफ्टवेयर फ्री हैं जो कि मैं आप लोगों को जानकारी दे दूँ। एलन ब्रेटली का सॉफ्टवेयर फ्री है, डेल्टा का फ्री है, तो एलन ब्रेटली का बहुत आसानी से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जो फ्री में आपको सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। हमारे पास कुछ वीडियोज भी हैं जिसमें मैंने बताया है, आर एस लॉजिक्स 5500 करके फ्री में सॉफ्टवेयर एलन ब्रेटली का मिलता है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वीडियोस हैं कि कैसे इन सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हनीवेल एंड सीमेंस, ये सारे लाइसेंस्ड वाले सॉफ्टवेयर होते हैं इनके, है ना, तो आप खरीद सकते हैं इनके भी लाइसेंस अगर आप खरीदना चाहें तो, ठीक है। चलिए, तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि ये फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है। दूसरी चीज क्या है, देखो भाई, अगर मैंने ये पॉइंट, ये पुश बटन मैंने यहां से कनेक्ट कर दिया मान लो, और ये कोई एलईडी ले लो, यहां पे कोई एलईडी है और एलईडी किसी एक पॉइंट से मैंने कनेक्ट कर दी, ठीक है, इन दोनों पॉइंटों के बीच में कोई वायरिंग वाला कनेक्शन नहीं है इसमें। जो भी कनेक्शन है वो मैं प्रोग्राम के थ्रू बनाऊंगा। तो अगर मैं इस पॉइंट से अगर ये वाला पॉइंट कनेक्ट करना चाहता हूं तो मैं बहुत आसानी से कर सकता हूं। देखो, इनका एड्रेस होता है, ये पॉइंट 0 है, ये 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो ये पॉइंट का एड्रेस हो गया O:0/2, और इस वाले पॉइंट का एड्रेस हो गया, क्योंकि ये इनपुट साइड है, ये आउटपुट साइड है, तो इसका एड्रेस हो गया I:0/0। तो इससे अगर मैं ये आउटपुट कनेक्ट करना चाहता हूँ तो बिल्कुल सिंपली इस तरह से कर सकता हूँ। अभी प्रोग्रामिंग वाली बात चल नहीं रही है, लेकिन बस मैं आपको एक अंदाजा दे रहा हूँ कि इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो। जब इस बटन को प्रेस करोगे तब ये वाला जो आपका आउटपुट है, जो कि O:0/ कितने पर है, 0, 1, 2, 2 पे कनेक्ट है, इससे आराम से कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से प्रोग्रामिंग में। फिर आपको नहीं है भाई, मैं इस पॉइंट से, इस वाले इनपुट से ये वाला आउटपुट कनेक्ट नहीं करना चाहता, मैं कोई और आउटपुट कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो बस क्या है, बस एड्रेसिंग में आपको चेंज करना है। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कोई भी बीच में वायरिंग में डिस्टरबेंस नहीं कर, वायरिंग का डिस्टरबेंस नहीं होता इसमें, है ना, बस एड्रेसिंग प्रोग्रामिंग में चेंज करके आप कौन सा पॉइंट, कौन सा इनपुट कौन से आउटपुट से कनेक्ट होगा, ये सारा कुछ डिसाइड कर सकते हो। तो इसलिए ये फ्लेक्सिबल है, लोअर कॉस्ट है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कहाँ लोअर कॉस्ट है, ये तो महंगी पड़ती है,
लेकिन इसमें एक इस पॉइंट में एक चीज और डाली गई है, अगर आपको आपके टास्क में ऑटोमेशन के लिए हाफ दर्जन से ज्यादा मतलब 6 रिले से ज्यादा यूज हो रही है तो आप आराम से पीएलसी का इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपकी सस्ती पड़ जाएगी। ठीक है, तो कई पीएलसी सस्ती पड़ती हैं आपको, जैसे डेल्टा की हो गई, डेल्टा ब्रांड की पीएलसी आपकी सस्ती हो गई। एक आपकी सीमेंस ने निकाली है लोगो, सीमेंस लोगो, ठीक है, तो ये सब आपकी लो कॉस्ट पीएलसी पड़ जाती हैं आपको। अगर छोटा मोटा टास्क है तो आप इनसे परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद पीएलसी में आपको कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी भी देखने को मिलती है। क्या मिलती है? कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, पीएलसी के पास एक कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी भी अपनी होती है ना, क्योंकि ये कम्युनिकेट कर सकता है। तभी तो हम देखो कम्युनिकेट करने का एक एग्जांपल तो मैं दूं, पीएलसी में आप अगर प्रोग्राम आप अपलोड करते हो तो क्या करते हो, कम पीसी के साथ ही तो कनेक्ट करते हो पीएलसी को। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन है इसका, पीसी के साथ कम्युनिकेट कर सकती है, एक पीएलसी दूसरी पीएलसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकती है, तो ये कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी भी इसके अंदर आती है ना। दूसरी चीज, इसका जो रेस्पॉन्स होता है बहुत ही फास्ट रेस्पॉन्स होता है। यहां पे अगर आप पढ़ेंगे कि क्यों मैं कह रहा हूं ये फास्ट रेस्पॉन्स होता है, तो यहाँ पे बेसिकली देखो क्या हम प्रोग्राम चला रहे हैं, बेसिकली हम बॉटल काउंटिंग का प्रोग्राम चला रहे हैं। ये बोतल देखी होगी आप, जब तबीयत खराब होती होगी तो इस तरह की बोतल आपकी छटती है ना, ग्लूकोज की। ठीक है, तो ये बोतल क्या है, बेसिकली एक कन्वेयर बेल्ट है और फास्ट फास्ट जो है वो इस सेंसर के सामने से निकल रही है। तो आपको मान लीजिए ऑटोमेटिक बॉटल काउंटिंग का प्रोग्राम बनाना है, ऑटोमेटिक बॉटल काउंटिंग, ऑटोमेटिक बॉटल काउंटिंग एबीसी प्रोग्राम, ऑटोमेटिक बॉटल काउंटिंग का प्रोग्राम बनाना है, तो पीएलसी कितनी फास्ट होती है ये इसमें बताया गया है कि भाई पीएलसी जो होती है वो कितने प्रोडक्ट काउंट कर सकती है, मशीन्स दैट प्रोसेस थाउजेंड ऑफ आइटम पर सेकेंड, पर सेकेंड 1000 आइटम भी इनके सामने से निकल जाएंगे। 1000 आइटम्स पर सेकेंड भी अगर इस सेंसर के सामने से निकल जाएंगे तो पीएलसी उसको क्या करेगी, डिटेक्ट कर लेगी, है ना। तो इतना इसका फास्ट रेस्पॉन्स टाइम हो सकता है आपका। क्या कह रहा है, मशीन्स दैट प्रोसेस 1000 ऑफ आइटम पर सेकेंड एंड ऑब्जेक्ट दैट स्पेंड ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इन फ्रंट ऑफ सेंसर रिक्वायर्स द पीएलसी क्विक रेस्पॉन्स कैपेबिलिटी। पीएलसी के पास क्विक रेस्पॉन्स कैपेबिलिटी होती है, जिससे ये 1000 आइटम भी इसके सेंसर के सामने से निकालोगे ना तो वो ये डिटेक्ट कर लेगी। ठीक है, आई होप यहां तक सबको क्लियर है, कोई डाउट हो तो आप पूछते रहिए, कोई भी डाउट आपको आ रहा है तो पूछ लीजिए। क्लियर है यहां तक? आप लोग यस तो बोल दो, यस बोल दो एक बार लाइव चैट पे। ठीक है, कोई पूछ रहे हैं डेली क्लास चलेगी सर जी? कोशिश करेंगे कि डेली क्लास ले लें, है ना, कोशिश करेंगे। हाउ टू कनेक्ट पीएलसी इन लैपटॉप प्रोग्राम मैनेजिंग, एक थोड़ा धीरे धीरे करके हम लोग सीखेंगे, है ना, थोड़ा धीरे धीरे करके सीखेंगे, क्योंकि ये अभी बेसिक पीएलसी ओवरव्यू चल रहा है। फिर मैं आपको हार्डवेयर पे दिखाऊंगा कि कैसे पीएलसी आपकी कनेक्ट होती है पीएलसी से। कुछ नहीं होता है, बस एक केबल आपको लेनी होती है, RS-232 केबल ले लो, DB9 वाली, और उसके थ्रू आप उस केबल को कनेक्ट करेंगे पीएलसी के को पीएलसी के साथ, और एक पोर्ट जो होता है आप यूएसबी कनेक्टर ले सकते हो और वो आप कनेक्ट करोगे अपने पीसी के साथ। ठीक है, तो इतना करोगे आप, उसके बाद आपको कम्युनिकेशन पोर्ट कॉम पोर्ट देखना पड़ता है डिवाइस मैनेजर में जाके, और वो सेटिंग करनी पड़ती है जिसके थ्रू आपका पीएलसी जो है पीसी से कनेक्ट हो जाता है। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, है ना। केबल्स का चक्कर है बस, कुछ लोग इथरनेट से करते हैं, कुछ लोग यूएसबी से करते हैं, जो भी उसमें कम्युनिकेशन दिया हो। ठीक है, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम आपको क्लियर हो गया। अब एक चीज और है जो मैं पर्सनली काफी पसंद करता हूं, वो चीज है इसमें कि भाई ये इजियर टू ट्रबल शूट है। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जहां पे मैं प्रोग्रामिंग करने जाता हूँ वहां पर भी इसका काफी यूज होता है। कैसे, आपने पीएलसी के साथ अपने पीसी को कनेक्ट कर लिया और उसको मॉनिटरिंग मोड में ऑन कर दिया, प्रोग्राम को आप मॉनिटरिंग मोड में मतलब देखने के पर्पज से भी आप इसमें ऑन कर सकते हो, जो भी पीएलसी पे चीजें चल रही हैं वो यहाँ पे भी शो करेंगी। जैसे पीएलसी एक पीएलसी है, इसमें ऑफकोर्स इनपुट होगा आउटपुट होगा, ठीक है, इनपुट होगा और आउटपुट होगा, इनपुट से कुछ स्विचेस लगे हैं, सेंसर्स लगे हैं, आउटपुट से कुछ मान लो सोलेनोइड वॉल्व है, ठीक
या सोलेनोइड वॉल्व भी मान लो ये लगा हुआ है, कुछ लैंप लगी हुई है, तो यहाँ पे आप मॉनिटरिंग मोड में ये देख सकते हो कि ये मैंने इनपुट तो दिया और ये तो ऑन दिखा रहा है, यहाँ पे भी शो करेगा। अगर ये इनपुट आपने आपका ऑन है और यहाँ पे दिखा रहा है, तो आप ये देख सकते हो कि कहाँ पे प्रोसेस अटक रही है। आपके हिसाब से सोलेनोइड वॉल्व या लैंप अभी ऑन होनी चाहिए, पर अभी ऑन नहीं हो रही है, तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा भाई किस तरह, किस वजह से यहाँ पे ब्रेक आ रहा है, या कौन सा पॉइंट जो सप्लाई पास करना चाहिए था वो नहीं कर रहा है। अभी इस कंडीशन में बताओ क्या ये आउटपुट ऑन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ तो ग्रीन आ रहा है, मतलब ये तो सप्लाई पास कर रहा है, लेकिन ये पॉइंट नहीं कर रहा है सप्लाई पास। ठीक है, तो ये भी आपको देखें, अगर ये भी सप्लाई पास कर दे तो ये आउटपुट ऑन हो जाएगा और लैच भी हो जाएगा अगर सेम एड्रेस है तो। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग वाला स्टफ है, पर मैं आपको बता दूं यहां पे आप पूरा कुछ ऑपरेशंस देख सकते हो। ठीक है, जो भी ऑपरेशन पीएलसी में हो रहा है यहां पे आप मॉनिटर कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? जो भी लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेना चाहते हैं वो वेबसाइट पे जाके ले 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 सकते हैं, vidyatrans.com पे आपको ये सारे लेक्चर मिल जाते हैं। मैंने अपना नंबर भी अभी आपको दिया, ठीक है, नंबर मेरा है 90। इस नंबर पे कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे आप फोन कर सकते हैं, लाइव क्लास के लिए भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, वो भी लाइव क्लास भी हमारी चल रही है, तो ये फोन नंबर है, इस फोन नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए, है ना, इस फोन नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लीजिए किसी भी तरह का पीएलसी का कोई डाउट है। ठीक है, अगर क्लास लेनी है, रिकॉर्डेड लेक्चर लेने हैं, वो सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दूंगा। क्लियर? अब यहां तक सबको सब क्लियर हो गया होगा कि ये एक प्रोसेस चल रही है, इसका आप ट्रबल शूट यहां से देख सकते हो, पूरा प्रोग्राम यहां से देख सकते हो पीएलसी से कनेक्ट करके, है ना, तो मॉनिटरिंग मोड में यहां पे हो जाता है। क्लियर? अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे कि भाई पीएलसी के क्या-क्या पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ पीएलसी क्या डिस्कस करेंगे? पार्ट्स ऑफ पीएलसी। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं आपको बता ही चुका हूं पैसे कि भाई देखो, एक तो इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा, ये तो बहुत जरूरी है। इनपुट पे आपके क्या आ सकते हैं? इनपुट पे आपके स्विच आ सकते हैं, ठीक है, सेंसर आ सकते हैं, स्विच आ सकते हैं, सेंसर आ सकते हैं, लेवल स्विच है, किसी भी तरह की ये इनपुट डिवाइसेस हैं जिससे आप इनपुट दे सकते हो, पुश बटन आ सकता है, तो वो सारा यहाँ पे आपके रहता है। और आउटपुट पे आपकी आउटपुट डिवाइसेज जैसे कि कोई लैंप मान लो, मोटर मान लो, वो सारी चीज आउटपुट मॉड्यूल पे लगी रहती है। इनके बीच में आप देख रहे हो, इनके बीच में एक सीपीयू है, सीपीयू पे अपने पास मेमोरी होती है, ठीक है, यहाँ पे आप प्रोग्राम जो है पीसी से लोड कर सकते हो। ठीक है, इस प्रोग्राम पीसी पे जो बनाते हैं उसको प्रोग्रामिंग डिवाइस कहते हो आप, वैसे इसको लैपटॉप डेस्कटॉप कुछ भी कर लो, लेकिन अभी जिस रेफरेंस में ये यूज हो रही है वो है प्रोग्रामिंग डिवाइस, एक तरह से पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए यूज हो रही है, इसलिए इनको इन्होंने इसे प्रोग्रामिंग डिवाइस कहा है। पावर सप्लाई आप ऑफ कोर्स देते हो इसको, इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल और अपने सीपीयू को आप पावर सप्लाई भी देते हो। ये क्या है? ऑप्टिकल आइसोलेशन। ये क्या है? एनालॉग इनपुट एंड आउटपुट। ये एनालॉग इनपुट और आउटपुट भी आप यहां पे, एनालॉग सेंसर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एनालॉग इनपुट एंड आउटपुट भी आप यहां पे यूज कर सकते हो। इसके बारे में भी अगर रिजवान जी ने थोड़ा बताया तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, दो तरह के मॉड्यूल होते हैं, एक तो डिजिटल होते हैं, DI DO जिसे बोलते हैं, एक होते हैं एनालॉग। ठीक है, तो जो डिजिटल और डिजिटल आउटपुट होते हैं वो बेसिकली जीरो और वन में काम करते हैं, जीरो और वन, जीरो और वन, यानी कि या तो ऑफ होगा या ऑन होगा। ठीक है, या तो ऑफ होगा या ऑन होगा, ये डिजिटल मॉड्यूल होते हैं। एनालॉग जो सिग्नल होता है वो 0 to 10 वोल्ट, आप अगर मैं वोल्टेज सिग्नल की बात करूं तो 0 to 10 वोल्ट वेरी करता है। अगर आप अपने घर की लाइट की बात करो तो मुझे बताइए आप लोग सभी लोग, जो घर की लाइट है आपकी, जो घर की लाइट है वो डिजिटल आउटपुट है या एनालॉग आउटपुट है? आप लोग कोशिश कीजिए, वो डिजिटल है या एनालॉग है? जो आपके घर में लाइट लगी है, जो बल्ब लगाया है, वो डिजिटल है या एनालॉग है? तो आप में से कई लोग जानते होंगे वो डिजिटल चीज हो गई। कैसे? या तो ऑफ रहती है या ऑन रहती है ना? आपकी लाइट में कोई ऐसा सिस्टम है कि ये मध्यम वर्ग में चल जाए, है ना, हल्की लाइट में चल जाए? नहीं,
तो वो डिजिटल हो गया है। जिसके पास केवल दो चीजें हैं, या तो ऑफ या ऑन, वो डिजिटल होता है ना। जैसे कि स्विच एक डिजिटल चीज है, जीरो या वन, या तो ऑफ या ऑन, ठीक है। एनालॉग क्या चीज होती है, जैसे फैन को हम रेगुलेट कर लेते हैं, अपने हिसाब से स्पीड दे लेते हैं, वो बेसिकली क्या हो गया, वो एनालॉग हो गया, ठीक है। तो कोई भी सिग्नल जिसमें आप चाहते हो कि जो आउटपुट है वो आप जब भी चाहते हो कि इस तरह से मिले कि वो ऑन हो या ऑफ के बीच में भी कुछ रहे, जैसे कि आपका कोई नल है, नल को आप देखो ऑन कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो, लेकिन उसको बीच में भी तो खोल सकते हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपना नल 20% खोला हो, कभी 30% खोला हो, कभी 40% खोला हो, तो वो एक एनालॉग सिग्नल हो गया। डिजिटल में केवल दो चीज होती है, या तो ऑफ रहेगा या ऑन रहेगा। तो अगर ये डिजिटल की बात करो आप, तो इस तरह से इनपुट मॉड्यूल जो होते हैं वो अलग से आपके डिजिटल भी आते हैं, एनालॉग भी आते हैं। सेम एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट आपके आते हैं। बहुत हद तक हम लोग DI-DO से बहुत ज्यादा हद तक काम चलाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी किसी भी टास्क में एनालॉग इस्तेमाल हो रहा है तो एनालॉग भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे PLC से जब BFD और मोटर कंट्रोल करते हो, तो 0 to 10 सिग्नल 0 to 10 वोल्ट के बीच में वैरी कराते हो, ताकि स्पीड कंट्रोल कर सको, है ना। चलिए अब देखो, PLC हार्डवेयर की बात करें, द टर्म आर्किटेक्चर कैन रेफर टू PLC हार्डवेयर, टू PLC सॉफ्टवेयर, और टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। तो अब ये लोग दो तरह के आर्किटेक्चर आपके PLC में होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका ओपन आर्किटेक्चर और एक होता है क्लोज आर्किटेक्चर। मैंने अभी तक जो भी देखा है, जितनी भी PLC देखी है, ये क्लोज आर्किटेक्चर में ही देखी है। हर PLC का अपना एक सॉफ्टवेयर होता है, और वो दोनों एक दूसरे को देते नहीं है। मतलब देने का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सीमेंस की PLC एलन बेंटली से प्रोग्राम कर ले, एलन बेंटली की PLC TIA पोर्टल से कर ले, है ना। देखिए, जैसे कि अभी आप मांग रहे थे हनीवेल, सीमेंस और ये स्नाइडर का सॉफ्टवेयर, सबका सॉफ्टवेयर अलग है, सबने अपना क्या रख रखा है, प्रोप्राइटरी कर रखा है। प्रोप्राइटरी का मतलब पता है आपको, जैसे वो चीज मैंने बनाई है, मैं ही यूज करूंगा, ठीक है। तो सबने अपने अपने सॉफ्टवेयर अलग बना रखे, लेकिन एक बात अच्छी है कि कुछ स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड से अलग आप लॉजिक नहीं निकाल सकते। तो लॉजिक सब में सेम है, पर सॉफ्टवेयर सबके अलग है, एड्रेसिंग सबकी डिफरेंट होती है ना। तो ये होता है क्लोज्ड आर्किटेक्चर। क्लोज मतलब सबने अपनी अपनी प्रोप्राइटरी ले रखी है और सब अपने अपने प्रोग्राम बनाते हैं। एक ओपन आर्किटेक्चर होता है जो जो अलाउ करती है कि कोई भी डिवाइस उससे कनेक्ट हो जाए। तो ऐसे भी कुछ आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि एक नाम आपने सुना होगा कोडसिस करके है, जिससे आप अलग अलग ABB, मेरे हिसाब से इससे होती है, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ABB इससे प्रोग्राम होती है, ठीक है। और आपके PLC आर्डिनो वगैरह भी, अगर लैडर लॉजिक में आर्डिनो प्रोग्राम करना है तो भी इससे कर सकते हो, अलग अलग रेसबेरी पाई सब इससे हो जाता है। तो ये एक ओपन सोर्स हो गया। जैसे आपको एक नाम सुनाऊं, एक कंट्रोलर होता है ये आर्डिनो का, ये इंडस्ट्रियल तो नहीं है, इंडस्ट्री में तो नहीं यूज होता, पर इन्होंने कुछ अपने बना लिए हैं अब इंडस्ट्री वाले भी। तो ये जो है ये आर्डिनो IDE से प्रोग्राम होते हैं, बेसिकली सी पे चलता है आर्डिनो IDE, arduino.io है या IDE है, ये जो होता है ये ओपन सोर्स है ना, ये सारे लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, दो टाइप की PLC होती है, ठीक है। अगर हम आर्किटेक्चर, मैंने बताया आपको दो तरह के होते हैं, एक तो ओपन आर्किटेक्चर, एक आपका क्लोज आर्किटेक्चर। और PLC भी आपकी दो टाइप की होती है, एक आपकी फिक्स्ड IO वाली PLC होती है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, फिक्स्ड IO वाली PLC होती है। मतलब जो इनपुट आउटपुट जो इसमें कनेक्ट कर सकते हो आप, कि कितने नंबर ऑफ स्विच आप कनेक्ट कर सकते हो, वो इनपुट हो गया। कितने नंबर ऑफ लैंप्स, मोटर या सोलेनोइड वॉल्व वाले चीजें, वॉल्व है, वो कितने आउटपुट आप कनेक्ट कर सकते हो, वो आउटपुट हो गया। जिसमें ये नंबर्स फिक्स होते हैं वो क्या होती है, फिक्स्ड PLC होती है। फिक्स्ड PLC में नंबर ऑफ इनपुट और नंबर ऑफ आउटपुट ऑफ PLC आपके क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। अब फिक्स के अलावा मैंने एक इसमें इमेज भी डाला है आगे चल के, जैसे कि ये मेरे पास फिक्स PLC है, ये मेरे पास है ना, ये PLC मेरे पास, ये 1200 है, मेरे पास 1100 है, ठीक है। तो ये देखो, ये फिक्स है, इसमें इनपुट और आउटपुट फिक्स है, फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही फिक्स है, आप इसको बिल्कुल ही एक्सपेंड नहीं कर सकते। मान लो पहले आपके टास्क में, मान लो आपने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, आप इंडस्ट्री में गए, आपने प्रोग्राम बनाया जिसमें 12 इनपुट लगे हुए हैं और 8 आउटपुट हैं जिस वाली PLC में,
ठीक है। अब इसको आपको एक्सपेंड करना है थोड़ा सा, तो इसमें क्या कर सकते हो आप, एक एक्सटेंशन लगा के इसको एक्सपेंड कर सकते हो, ये 2 और 3 तक आप कर सकते हो, इतना इसको कर सकते हो आप एक्सटेंड भविष्य में, ठीक है। लेकिन ये फिक्स कही जाती है, क्योंकि जो इनपुट और आउटपुट बढ़ाने की कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको कोई कह दे कि भाई 1000 इनपुट लगेंगे और 1000 आउटपुट लगेंगे या 800 आउटपुट लगेंगे, तो इतना भी इसमें क्या कर नहीं कर सकते आप, इतना भी एक्सटेंशन नहीं कर सकते। बेनिफिट क्या है इसका, प्राइस कम होता है, प्राइस जो रहता है प्राइस कम रहता है इसका, ठीक है, लो प्राइस पे आपको मिल जाती है ये। और देखो जब छोटे मोटे टास्क होते हैं तो उनके लिए लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, कई लोग डेल्टा मित्सुबिशी ये छोटे जो FX सीरीज जो आती है, ये छोटे मोटे टास्क के लिए इस्तेमाल फिक्स PLC हो जाती है ना। छोटा टास्क मतलब एक मशीन लेवल का टास्क, मशीन पे जिसमें काम होता है इनसे काम चल जाता है उसमें। अब मॉड्यूल वाली PLC क्या होती है, अब मॉड्यूल वाली PLC में क्या होता है, ये आपको समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग बोलेंगे बीच में तो मुझे लगेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आप तक पहुंच रहा है। आप अपना लिख के बताइए क्या ये आपको समझ आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ। क्लियर हो रहा है, किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप लोग पूछिएगा, है ना। चलिए अब इसमें क्या होता है, मॉड्यूलर PLC में क्या होता है, आपकी एक तो हो गई पावर सप्लाई, ठीक है, ये पावर सप्लाई हो गई, इसमें सब कुछ अलग अलग आएगा, CPU अलग से आएगा, पावर सप्लाई आप अलग से लगा सकते हो, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल फिर भी आप अलग अलग से इसमें लगा सकते हो, ये सेपरेट आते हैं और मॉड्यूल के बेस में आते हैं, तो जितना आपको बढ़ाना हो तो उतना आप इनको अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी भी लिमिटेशन होती है वैसे, लेकिन काफी हद तक ये आपके बड़े टास्क में इस्तेमाल होती है मॉड्यूलर PLC, है ना। सारा कुछ मॉड्यूल के फॉर्म में आता है, किसी भी एक इनपुट मॉड्यूल में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, ये वाला इनपुट मॉड्यूल नहीं चल रहा, इसको उठा के फेंको बाहर, दूसरा लेके लगा दो, ठीक है। तो ये भी एक फ्लेक्सिबिलिटी का एक ऑप्शन आ गया। क्या कह रहे हैं देखो, मॉड्यूलर इनपुट इज डिवाइडेड बाई कंपार्टमेंट इंटू विच सेपरेट मॉड्यूल कैन बी प्लग्ड, दिस फीचर ग्रेटली इंक्रीज योर ऑप्शन एंड यूनिट फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप अलग अलग उसमें क्या कर सकते हो, कभी भी कोई किसी में प्रॉब्लम आई तो उसको चेंज कर सकते हो, अलग अलग कंपार्टमेंट दिए होते हैं, अलग अलग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है एक तरह से आपकी, है ना, और भी इसमें ऐड करते जा सकते हो आप, ठीक है। कभी क्या हुआ, अभी तो मान लो कुछ नंबर ऑफ इनपुट की रिक्वायरमेंट है, भविष्य में बढ़ गई तो इसमें आप सेपरेट मॉड्यूल लाके एक लगा सकते हो, ये कहना चाह रहे हैं लोग, ठीक है। चलिए यहां तक ही आज हम लोग क्लास रखते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ बताऊंगा PLC इनपुट आउटपुट, ये मैंने मेंटेक्स ऑटोमेशन से ये वाला डायग्राम लिया है, मेंटेक्स ऑटोमेशन के भी हमारे आपको विद्या ट्रांस पे लेक्चर मिल जाएंगे मित्सुबिशी के, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये सब मैं आपको कल कराऊंगा, आई होप आज का लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। कल हम कोशिश करेंगे कि इसी टाइम पे आपको ये लेक्चर दे दें, थैंक यू वेरी मच।